नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस दुर्रानी। आज हम बनाना सीखेंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उनमें शामिल हैं: गाजर 1 किलो, घी या तेल 1 कप, खोया 1 पाव, चीनी 1 पाव, अंडे 4 अदद, बादाम, पिस्ते या कोई भी ड्राई फ्रूट 4 टेबल स्पून, जायफल, जावित्री और छोटी इलायची का पाउडर 1 चुटकी, केवड़ा 1 टेबल स्पून, पानी हसबे जरूरत। तरकीब: सबसे पहले गाजरों को छील लें, फिर उसके बाद उसे कद्दूकश कर लें। अब एक पतीली लें और उसमें कद्दूकश की हुई गाजर डाल दें। अब उसमें इतना पानी डालें कि गाजर उसमें भीग जाए और 2 इंच पानी उससे ऊपर हो। फिर उसे 15 मिनट तक उबाल लें। 15 मिनट बाद चूल्हा बंद करके फिर उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद गाजर को अच्छे से हाथ से निचोड़ लें। गाजर का पानी अच्छे से निचोड़ने के बाद इसे एक साइड पर रख दें। इसके बाद 2 अंडे उबाल कर एक साइड पर रख दें। अब एक पतीली लें, उसमें तेल या घी डालकर गरम कर लें। अब उसमें कद्दूकश की हुई गाजर डालें और उसे 5 मिनट तक अच्छे से भूनें। फिर इसमें 2 अंडे फेंट कर डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे मजीद 5 मिनट तक भूनें। अब इसमें जायफल, जावित्री, इलायची पाउडर, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, केवड़ा और खोया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें और 10 मिनट के लिए दम पर रख दें। मजेदार सा गाजर का हलवा तैयार है। गरम गरम गाजर का हलवा प्लेट में निकालें और उबले हुए अंडे को कटिंग करके गार्निश कर दें और चाहें तो मजीद ड्राई फ्रूट्स गार्निश के लिए ऊपर से डाल दें। मजेदार सा गाजर का हलवा तैयार है। सर्व करें और एंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।